महेश जी की तीन बेटियां थी, सीता, गीता और रीता। तीनों बेटियां महेश जी की काफी ख्याल रखती थी और ख्याल रखने के साथ साथ पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। सीता, गीता और रीता तीनों पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम करती थी। सीता, गीता और रीता तीनों गांव के ही स्कूल में पढ़ा करती थी। पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसलिए उनके स्कूल मास्टर भी उन्हें काफी मानते थे। लेकिन वही गांव के स्कूल में दो लड़का इसी क्लास में पढ़ता था, कमल और लल्लू। दोनों पढ़ने में वैसा ही था, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, खाली बदमाशी करता रहता था और उन दोनों को इन तीनों पर काफी जलन होती थी। चलो बच्चों, आज बताओ भारत के राष्ट्रपति कौन है? सर मैं बताऊं? अरे नहीं नहीं, तुम तीनों मत बताना, मुझे पता है तुम तीनों को ये बात पता है। लल्लू तुम बताओ। अरे सर मैं भारत का राष्ट्रपति, हाँ मोदी जी हैं। अरे पागल, वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति नहीं। लालू प्रसाद यादव हैं। पागल कहेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो यही होगा। इस बार लगता है तू एग्जाम में फेल ही होगा। इन तीनों से कुछ सीख, देख क्लास में टॉप कर दिए, कितनी अच्छी पढ़ने में है। और तुम लोग दोनों गवार कहेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, कब किताब खोल कर देखा है वो भी नहीं पता। आए दिन क्लास में सीता, रीता और गीता के कारण लल्लू और कमल को डांट पड़ती है, जिस कारण लल्लू और कमल तीनों से गुस्सा करता है। स्कूल खत्म होते ही तीनों बहन एक साथ घर के लिए निकल पड़ती हैं और तीनों आपस में बात करती है। अरे आज बहुत अच्छा हुआ, उस लल्लू को डांट पड़ा, पढ़ाई नहीं करेगा तो और क्या होगा, डांटी ना पड़ेगी। हाँ 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 सही कह रही है, अच्छा हुआ, यही होना चाहिए उसके साथ। वो लोग बहुत बदमाश है, हमें छेड़ते रहते हैं हमेशा। फिर वो तीनों बहन घर के लिए निकल पड़ती है। वहीं लल्लू और कमल कुएं के पीछे से छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। अरे लल्लू देखा कैसे ये लोग मजा कर रहे थे, तुम्हें डांट पड़ रही थी सर से और इन लोगों को मजा आ रहा था। अरे हाँ यार, कुछ तो सबक सिखाना पड़ेगा तभी होगा, ये लोग हमेशा हम लोगों का मजाक उड़ाती है। पढ़ने में क्या थोड़ी सी तेज है और देखना कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है, और सर भी इनकी बातों में आकर हमें डांटते रहते हैं, इन लोगों का कुछ करना पड़ेगा। लल्लू और कमल को सीता, गीता और रीता की बातों पर काफी गुस्सा आता है और उनको सबक सिखाने के बारे में सोचता है। गांव में एक खाली घर था। लल्लू और कमल के प्लान के मुताबिक एक लड़की को वो लोग बुलाता है और वो लोग दोनों अपनी सारी प्लान उस लड़की को बता देता है। वो लड़की उस घर के अंदर घुस जाती है और इंतजार करने लगती है सीता, रीता और गीता के स्कूल आने के समय का। सीता, रीता और गीता तीनों कुछ देर बाद उसी रास्ते स्कूल आते हैं। तभी वो लड़की अंदर से चिल्लाती है, अरे बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। उसी रास्ते से आ रहे सीता, गीता और रीता को उनकी आहट सुनाई देती है। अरे कोई बचाओ बचाओ करके चिल्ला रही है, किसी को कोई दिक्कत है, उसे मदद क्या हो सकता है। हाँ हाँ लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है, हमें लगता है उस घर से आ रहे, चलो उस घर के नजदीक जाके देखते हैं। फिर तीनों बहन उस घर के नजदीक जाती है, घर के अंदर से आवाज आ रही होती है, बचाओ बचाओ मुझे, मुझे बंद कर दिया यहाँ, बचाओ मुझे। अरे लगता है इस घर में किसी को बंद कर दिया है, चलो दरवाजा खोलने की कोशिश करो, उसे बचाते हैं। फिर सीता, रीता और गीता तीनों उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और बड़ी मुश्किलों से वो दरवाजा खुल जाता है। वो तीनों घर के अंदर आती है, अंदर आकर देखती है कि एक लड़की घर में खड़ी है। वो तीनों उनसे पूछती है, अरे क्या हुआ तुम्हें, कौन बंद कर दिया यहाँ पर? हाँ हाँ कौन बंद किया था तुम्हें? अरे मुझे मुझे तो कोई बंद नहीं किया था, मैं तो तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। क्या हम लोगों का, लेकिन क्यों? फिर वो लड़की सीता, गीता और रीता को धक्का मारती है और वहाँ गिरा देती है और वो गेट से बाहर निकल जाती है और गेट बंद कर देती है। क्योंकि तुम लोगों को इस घर में बंद करना था, इसीलिए अब तुम लोग रहो यहाँ। लल्लू और कमल दोनों पेड़ के पीछे छुपकर ये सारी बातें सुन रहे थे। वो लड़की उनके पास जाती है और कहती है, मेरा काम हो गया अब मैं चलती हूँ। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और इधर से सीता, रीता और गीता तीनों आवाज लगाती है मदद के लिए, बचाओ
बचाओ हमें इस घर से निकालो कोई बचाओ। लेकिन उनकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है और इधर पेड़ के पीछे से लल्लू और कमल दोनों मजा लेता है। तभी कुछ ही समय में उधर से एक सज्जन व्यक्ति गुजर रहा था। वो इन तीनों की आवाज सुन वहाँ रुक जाता है। अरे यहाँ कोई मदद के लिए बोल रहा है, इस घर से आवाज आ रही है, लगता है जाके देखता हूँ, मदद करनी चाहिए मुझे। फिर वो आदमी उस घर के नजदीक जाता है और जोर से कहता है, अरे तुम लोग कौन हो और क्या मदद चाहिए तुम्हें? हमें इस घर में किसी ने बंद कर दिया है, हमें बाहर निकालिए प्लीज, मदद कीजिए हमारी। अरे ऐसा कौन किया, रुको रुको मैं मदद करता हूँ। फिर वो आदमी गेट खोलने की कोशिश करता है। तभी पेड़ के पीछे से लल्लू और कमल ये देखता है और एक दूसरे से कहता है, अरे लल्लू ये देख कौन आ गया हमारे किए कड़ाई पर पानी फेंकने के लिए। अरे हाँ हाँ कुछ करना पड़ेगा, चल चल हम लोग भी चलते हैं उसके पास। फिर लल्लू और कमल भी वहाँ पहुँच जाता है उस आदमी की मदद करने के बहाने। अरे भाई साहब थोड़ी मदद कीजिए, ये गेट खोलने में अंदर कोई फंसी हुई है, मदद के लिए बोल रही है। फिर तीनों मिलकर गेट खोलने लगता है। जैसी थोड़ी सी गेट खुलती है वो आदमी घर के अंदर आता है। जैसे ही लल्लू और कमल गेट को बाहर से बंद कर देता है, अरे अरे भाई साहब ये क्या किया आपने, गेट खोलिए हमें निकालिए बाहर। लेकिन बाहर से और कोई आवाज नहीं आती है। कमल और लल्लू वहाँ से चला जाता है और ये आदमी भी घर के अंदर फंस जाता है। अरे हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे, कोई मुझे भी फंसा के चला गया। कुछ समय के बाद कमल और लल्लू गांव वालों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं। अरे आइए आइए आप लोगों को आज मैं दिखाता हूँ, रंगे हाथों पकड़ा हूँ इसी घर में घुसा हुआ है वो तीनों लड़की एक लड़के के साथ, आइए आइए। लल्लू और कमल अपने स्कूल का बदला लेने के लिए इन तीनों लड़कियों को फंसाता है। सभी कोई उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे चलो चलो गेट खोलो, देखता हूँ कौन है अंदर। फिर लल्लू और कमल जाता है, गेट को खोलता है। गेट खुलते ही सीता रीता और गीता तीनों बाहर निकल आती है, साथ में वो आदमी भी जो इस गांव में पहली बार आया था, किसी को ढूंढते ढूंढते और न जाने कैसे फंस गया। अरे देखिए देखिए अपने आंखों से देखिए, ये चारों इस कमरे में घुसा हुआ था इस घर में, अब तो आप लोग यकीन हो गया कि ये तीनों बदचलन है। अरे ये क्या कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, किसी ने हमें धोखे से इस घर में घुसा के बंद कर दिया, और बाद में ये लड़का जब आया हमें बचाने के लिए इसे भी घुसा के बंद करके चला गया, और आप लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, ये झूठ है। हाँ पापा ये झूठ है, आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये दोनों लड़का काफी बदमाश है, हमसे जलता है, हमारे क्लास में पढ़ता है, इसीलिए पापा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते पापा। अरे हाँ हाँ मैं भी तो मदद करने के लिए आया था, ये तीनों यहाँ से आवाज लगा रही थी, गेट बंद था, मैंने जैसे ही गेट खोला ये दोनों ने मुझे धक्का मार के गेट के अंदर बंद कर दिया। अरे आप लोगों को हमारे बातों पर विश्वास नहीं है, ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये सब कोई झूठ बोल रहा है, रंगे हाथों पकड़ा गए हैं इसीलिए। अरे हाँ हाँ हमें भी ऐसा ही लग रहा है, हमें कल सरपंच के पास इन्हें पेश करना चाहिए, वही इनका निर्णय करेंगे। सीता रीता और गीता के पापा का भी अब मुंह उतर गया था, अब उसे भी लगने लगा था कि ये सच है क्या, वो भी समझ नहीं पा रहे थे आखिर बात क्या हुई। और सभी गांव वाले के सामने और कोई कुछ नहीं कह पाते हैं, और कोई भी गांव वाले सीता रीता और गीता के बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उस अनजान लड़के के बातों पर। सुबह की पहली किरण के साथ ही पंचायत बैठाई जाती है गांव के बीचों बीच, सभी गांव वाले वहां इकट्ठा होते हैं और इन चारों दोषियों को भी वहां पर रखा जाता है। पंचायत सबकी बातें सुनती है। सेठ जी हमारी बेटी ऐसी नहीं है, ऐसा कुछ निर्णय ना लीजिएगा, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हमें उन पे बहुत विश्वास है। अरे चाचा अगर आपकी बेटी इतनी अच्छी है तो उस लड़के के साथ उस घर में क्या कर रही थी, घर बंद करके? अरे सर ये झूठ बोल रहा है, इसी ने हमें बंद किया है उस घर में और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ हुजूर ये सही कह रहा है, हाँ, इसी ने हम सबको बंद करके फंसाने की कोशिश कर रहा है। पंचायत सभी गांव वाले की बात एक एक करके सुनते हैं और अंत में एक निर्णय लेते हैं। देखो गांव वालों सबकी बात हमने सुना, इससे यही प्रतीत हुआ कि ये तीनों लड़की गलत कर रही थी, इस लड़के को उस घर में ले जाके तो इससे हमारा गांव का नाम खराब होता है, अगर एक लड़की रहती तो उससे शादी करवा देता, लेकिन ये तीन तीन लड़की है,
अब क्या किया जाए? अब आप लोग सभी मिलकर कोई अच्छा सा निर्णय लीजिए। इन सबको गांव से निकाल दो लात मार के। हाँ हाँ, ये लोग हमारे गांव के नाम खराब कर रहे हैं। सबको मार के खत्म कर दो, यहीं गाड़ दो। नहीं नहीं हुजूर, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम तीनों यहाँ से चले जाते, हमारे पापा को कुछ मत कहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं कहे, उसे भी यहाँ से निकलना होगा। गांव से जाना पड़ेगा सबको। सबको लात मार के निकालो इस गांव से। इस गांव का नाम को बदनामी करने आया था ये लोग। अरे रुको, बहुत बोल रहे हो तुम। देखिए सर, मैं इस गांव आया था गांव को देखने के लिए। सुना था गांव के बारे में बहुत कुछ अच्छा, लेकिन अब समझ में आया गांव के लोग भी कैसे कैसे होते हैं। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरे गांव को बदनाम कर देते हैं। सर, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस इसका नाम खराब नहीं होना चाहिए। और इनके पापा को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये उनका घर है, ये गांव उनका घर है, ये गांव में ही रहेंगे। अरे लेकिन बेटा, ये तीन है, तुम कैसे शादी करोगे, किससे करोगे? मैं इन तीनों से शादी करूंगा, अगर आप लोगों की रजामंदी हो तो। क्या एक को कोई रख नहीं पाता है? ये तीन तीन बीबियां रखने की बात कर रहा है? हाँ सर, मैं इन तीनों से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे कारण इनके नाम खराब हो, इन पर कोई बदनामी का दाग भी आए, या फिर इनके पापा पर कोई उंगली उठाए। सीता, गीता और रीता को बदनामी से बचाने के लिए तरुण उन तीनों से गांव के ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। गांव के ही पंडित उन सभी का शादी करवाते हैं। सरपंच भी वहां मौजूद थे और सीता, गीता, रीता के पापा भी। सीता, गीता, रीता के पापा खुश तो होते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी ये एहसास नहीं था कि वो अपनी तीन बेटियों की शादी किसी एक इंसान से करवाएंगे। विधि विधान से पंडित जी उन सभी का शादी करवा देते हैं। फिर तरुण अपने साथ अपनी तीन बीबियों को लेके चला जाता है। मुझे पिंकी से शादी करने के लिए क्या करना होगा? पिंकी से शादी तो होगी, लेकिन तुम्हारी सिर्फ पिंकी से नहीं, बाकी छह उसकी बहनों से भी होगी। यानी कि तुम्हारी मेरे सातों बेटियों से शादी होगी। ये कैसा नियम है? एक से शादी करूंगा तो बाय सिक्स मिलेगा। गांव के सबसे अमीर सेठ कन्हैया लाल के घर सात बेटियां थी। सातों बेटियां अब काफी बड़ी हो चुकी थी। कन्हैया लाल को काफी टेंशन होती थी उनकी शादी को लेकर, इसलिए आज उन्होंने पंडित जी को घर बुलाए थे। अरे नमस्कार सेठ जी, नमस्कार। अरे नमस्कार पंडित जी, आइए आइए, आप ही की राह देख रहा था। कहिए सेठ जी, आज आपने कैसे याद किया, किसी विशिष्ट काम से? अरे हाँ पंडित जी, काम तो बहुत ही विशिष्ट है। मेरी सातों बेटियाँ कितनी बड़ी हो गई है, उनकी शादी के लिए कोई लड़का वड़का का इंतजाम कीजिए। अरे हाँ हाँ सेठ जी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों का अजीबोगरीब नियम है जिस कारण कोई लड़का शादी करने को तैयार ही नहीं है। तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई लड़का मिल जाए तो आपसे बात करवा दूंगा। बस बस पंडित जी, इतना कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। कन्हैया लाल के घर अजीबोगरीब नियम थी, जो भी उसकी एक बेटी से शादी करेगा उसे सातों बेटियों से शादी करनी पड़ेगी, जिस कारण उसे कोई भी लड़का नहीं मिल रहा था। इस कारण कन्हैया लाल काफी परेशान रहता था। एक रोज कन्हैया लाल के घर रामलाल अपने बेटे मोहन का रिश्ता लेकर आते हैं। इससे कन्हैया लाल काफी खुश होता है और रामलाल की काफी खातिरदारी भी करते हैं। कन्हैया लाल की सातों बेटियां कन्हैया लाल के पीछे खड़ी थी, तभी मोहन एक एक करके सबको देखता है और अच्छे से देखने के बाद वो एक को पसंद करता है। अरे पापा, मुझे वो लाल वाली पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। वो लाल वाली? अच्छा अच्छा बेटा, मुझे भी पसंद है, रुक अभी बात करता हूँ। अरे कन्हैया लाल जी, हमें आपकी वो लाल वाली बेटी पसंद है, उसी से मेरा बेटा शादी करेगा। अरे राम लाल जी, शायद आपको हमारे नियम पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको हमारी बेटी से शादी करनी है तो आपको हमारे सातों बेटियों से ही शादी करनी पड़ेगी, तभी हम किसी की शादी देंगे, वरना नहीं, यही हमारे घर का नियम है। अरे पापा, ये कैसा नियम है? एक से शादी करूंगा तो बाय सिक्स मिलेगा, सातों से पागल हो जाऊंगा मैं, एक को न संभाल पाता तो सातों को, मैं तो
पूरा पूरी पागल खाना पहुँच जाऊंगा। मुझे नहीं करनी है ऐसी घर शादी। चलो पापा जल्दी चलो यहाँ से। अरे हाँ बेटा तू भी सही कर रहा है, ये लोग जैसा जैसा नियम बनाए मुझे नहीं लगता आपकी एक भी बेटियों की शादी होगी ऐसे। माफ कीजिएगा कन्हैया लाल जी, मेरा बेटा आपकी बेटियों से शादी नहीं कर सकता है, हम चलते हैं। राम राम। ये कहते हुए रामलाल और उसका बेटा मोहन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर कन्हैया लाल फिर से उदास हो जाता है। एक आशा की किरण नजर आई थी वो भी बुझ जाती है। गांव का ही एक लड़का रोशन पिंकी से प्यार करने लगा था। पिंकी भी रोशन से प्यार करने लगी थी। दोनों इधर उधर मिलते घूमते फिरते मौज करते। सुनहरा मौसम था। पिंकी और रोहन एक दूसरे से मिलने के लिए नदी किनारे एक जगह खड़े होकर बात कर रहे थे। अरे पिंकी हमें लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, काफी दिन तो हुए हम एक दूसरे को अच्छी तरह से अब जान भी चुके हैं। पिंकी को रोहन की ये शादी की बात सुनकर थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि पिंकी को उसके घर के नियम पता थे और रोहन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ रोहन, लेकिन अभी और कुछ वक्त देना चाहिए हमें, अच्छे से जान पहचान हो जाए फिर हम लोग शादी करेंगे। पिंकी और रोहन दोनों नदी किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी गांव का एक आदमी उन दोनों को दूर से देख लेता है। अरे लगता है ये कन्हैया लाल की बेटी पिंकी है, ये किसके साथ है? ये गांव का छोरा के साथ। रुक रुक कन्हैया लाल को बताना पड़ेगा। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है और इधर पिंकी और रोहन यहां पर कुछ समय व्यतीत करते हैं। दूसरे रोज रोशन को कन्हैया लाल के आदमियों द्वारा पकड़कर कन्हैया लाल के सामने पेश किया जाता है। मालिक यही था रोशन, रोशन नाम है इसका, गांव का छोरा है। ओह अरे रोशन तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? रोशन कन्हैया लाल से नहीं डरता है और अपने प्यार का इजहार करता है सबके सामने। हाँ हाँ सेठ जी मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। देखो देखो जरा देखो तो किससे प्यार करते हो तुम। कन्हैया लाल की सातों बेटियाँ कन्हैया लाल के पीछे खड़ी थी। रोशन उनमें से देखता है और कहता है, सेठ जी मैं पिंकी से प्यार करता हूँ, वो रही। ओह अच्छा अच्छा तुम पिंकी से प्यार करते हो। पिंकी ने तुम्हें कुछ बताया हमारे घर के नियम के बारे में कि हमारे घर शादी कैसे होती है? अरे नहीं नहीं सेठ जी ऐसा तो कुछ नहीं बताई पिंकी ने मुझे। देखो रोशन मैं तुमसे शादी देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम हमारे सारे नियमों को मान सकते हो तो। रोशन कन्हैया लाल की ये बातें सुनकर काफी खुश हो जाता है। हाँ हाँ सेठ जी कहिए कौन सा नियम है आपके, मुझे पिंकी से शादी करने के लिए क्या करना होगा? अरे तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस पिंकी से शादी तो होगी लेकिन तुम्हारी सिर्फ पिंकी से नहीं बाकी छह उसकी बहनों से भी होगी, यानी कि तुम्हारी मेरे सातों बेटियों से शादी होगी, यही नियम है हमारा। अगर तुम करना चाहते हो तो बोलो, हम शादी दिलाने के लिए तैयार हैं। रोशन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अरे सेठ जी ये क्या कह रहे हैं आप, पिंकी के साथ उसके बाकी छह बहनों के साथ भी मुझे शादी करनी पड़ेगी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ पिंकी से प्यार करता हूँ। अरे देखो ये हमारे घर का नियम है, अगर तुम मान सकते हो तो ठीक है वरना पिंकी को भूल जाओ, और अगर शादी करोगे तो सबके साथ करनी होगी। ये नियम सुनने के बाद रोशन मायूस हो जाता है और पिंकी से कहता है, अरे पिंकी माफ करना मुझे, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे शादी कर सकता हूँ बाकी तुम्हारी छह बहनों से नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हो सके तो मुझे भूल जाना। ये कहते हुए रोशन वहाँ से चला जाता है। और इधर पिंकी को ये पता ही था कि एक न एक दिन ये दिन तो देखना ही था, लेकिन इधर पिंकी और रोशन एक दूसरे को भुला नहीं पाते हैं और पिंकी अंत तक तय करती है कि वो घर से भाग जाएगी और दोनों मिलकर एक मंदिर आ जाते हैं और वहाँ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तुम लोगों की शादी संपन्न हुई, जाओ अब भगवान का आशीर्वाद ले लो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। फिर रोशन और पिंकी वहाँ से चले जाते हैं, तभी पंडित जी को कुछ कुछ याद आता है। अरे मैंने इसे कहीं देखा है, अरे ये तो कन्हैया लाल जी की बेटी है, ये कैसे शादी कर सकती है? कन्हैया लाल जी तो कह रहे थे कि मेरी बेटी से जो भी शादी करेगा बाकी सभी बेटियों से भी शादी करनी पड़ेगी। कन्हैया लाल जी ने नियम तोड़ दिया क्या? मुझे बात करनी पड़ेगी कन्हैया लाल जी से। दूसरे रोज पंडित जी कन्हैया लाल जी के घर पहुंच जाते हैं। अरे पंडित जी कहिए कहिए
कोई शुभ समाचार है क्या? कोई लड़का मिला क्या? अरे कन्हैया लाल जी, कोई लड़का तो नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे कुछ जानने के लिए आया हूँ कि आपने जो कहा था नियम कि सातों बेटियों की शादी एक ही लड़के से होगी, तो क्या आपने नियम चेंज कर दिया क्या? अरे पंडित जी, क्या पागल जैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों नियम बदलूंगा, अभी भी वही नियम लागू है। तो फिर आपकी एक बेटी कल आकर मेरे मंदिर में शादी करके गई, वो कैसे हुआ? क्या इतनी बड़ी दुस्साहस, मेरी एक बेटी किसी से शादी कर ली? मैं अभी देखता हूँ किसने की इतनी बड़ी दुस्साहस। ये बात सुनने के बाद कन्हैया लाल जी को काफी गुस्सा आता है कि उसकी एक बेटी कैसे उसके नियमों को तोड़ सकती है, और कौन वो लड़का है जिसने ऐसा दुस्साहस किया। कन्हैया लाल गांव वाले और पंडित जी की मदद से रोशन को ढूंढ निकालते हैं, रोशन के साथ अपनी बेटी को भी, और फिर नियम अनुसार रोशन को उसकी बाकी 6 बेटियों के साथ भी शादी करनी थी, इसलिए मंदिर में लाकर उसकी बाकी 6 बेटियों के साथ भी रोशन की शादी करवा देते हैं। अंत तक रोशन को कन्हैया लाल की सातों बेटियों के साथ शादी करनी पड़ती।